इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके से मैसेज आया है तो आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है। यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 436 रुपए हैं वो आपके बैंक खाते से काट लिए जाएंगे आपकी बिना परमिशंस के, ठीक है। इससे किस तरीके से बच सकते हैं और आखिर ये पैसे क्यों कटेंगे और आखिर इसका क्या मतलब है, तो चलिए जान लेते हैं हम विस्तार से। तो चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि PMJJVY, ठीक है। तो ये की योजना है और ये योजना कौन सी है वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर जो 436 रुपए हैं वो आपके 20 मई से कटना स्टार्ट हो जाएंगे अकाउंट से, ठीक है। तो इन्होंने आपको पहले ही अगवा किया है, यानी कि बताया गया है कि आप अपने खाते में इन पैसों को डाल लीजिएगा अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में 31 मई तक, ठीक है, 31 मई तक जो आप पैसा है वो आपके खाते से कट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर लगभग 11 दिन इन्हें मिल जाएंगे, 11-12 दिन इन्हें मिल जाएंगे पैसे काटने के लिए आपके खाते से, ठीक है। अगर आप इस बीमा को नहीं करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए हम विस्तार से समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। जैसे कि ये PM जीवन ज्योति बीमा योजना है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप इस बीमा का योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 436 रुपए अपने खाते में मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये योजना लागू हुई थी 2015 में देश में, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आपको 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा अगर किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर मुक्ति हो जाती है, यानी कि वो किसी भी दुर्घटना में सही या फिर अचानक ही सही किसी भी कारण यहाँ पर मुक्ति हो जाती है तो उसे यहाँ पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि पॉलिसी के तहत जो कि 18 साल से 50-55 साल तक की उम्र के लोग इसे करा सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर के लोग नहीं करा सकते हैं। तो आपको 1 साल के लिए यहाँ पर 436 रुपए यहाँ पर पे करने ही होंगे, ठीक है। और ये भी जो योजना है वो 2015 से चल रही है और भारत का यानी कि कोई भी नागरिक है वो इस योजना को ले सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो पैसे हैं कि आप अपने खाते में मेंटेन करके रखिए, ठीक है। इसका क्या मतलब बनने आया, यानी कि अगर आपका खाता SBI में है या फिर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में है, ठीक है, तब भी आपको ये किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है और इस तरीके का मैसेज आया है तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि आपके खाते से पैसे कटने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बचना किस तरीके से चाहते हैं और इस योजना को नहीं लेना चाहते तो आप किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया है 20 मई यानी कि आज है 18-19-20, ठीक है, तो अभी 2 दिन है। और अगर आप इस योजना को नहीं लेना चाहते हैं तो अपना खाता आप 0 कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है तभी आप इस योजना से बच सकते हैं 12-13 दिन तक, यानी कि 31 मई इनकी लास्ट है और 1 तारीख को फिर आप अपने अकाउंट में पैसे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहां पर बैंक वालों से भी जाकर पहले ही बात कर लीजिएगा कि आखिर ये योजना का मैसेज मेरे पास आया है और मैं इस योजना को लेना नहीं चाहता हूं, तो ये योजना किसी भी तरीके से मेरे खाते पर लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप उनसे इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर जो भी बैंक मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो हमें रियल बात बताते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं कि वो आपको लेनी ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप खाते खुलवाते समय नहीं लेते हैं तो वो आपको बाद में चेप देते हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से या फिर कोई ना कोई वजह बताकर, ठीक है। तो अगर आप मैनेजर से जाके बैंक बात कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा तरीका यह है कि आप अपने खाते को बैलेंस 0 कर लें, ठीक है, तभी आप यहां पर बच सकते हैं, वरना अगर इस तरीके का मैसेज आया है तो आपके खाते से पैसे कटेंगे ही कटेंगे। इसी के साथ में विस्तार से पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।